राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने और कोरोना बीमारी से निपटने के लिए 30 अगस्त को प्रकृति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आरएसएस के सह प्रांत कार्यवाह चंद्र प्रकाश ने कहा कि 30 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम के दौरान देश भर के 10 लाख से ज्यादा परिवार हिस्सा बनेंगे। उन्होंने बताया कि बंधन कार्यक्रम के दौरान परिवार के सदस्य 10 से 15 मिनट तक एक पेड़ के पास बैठकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे तो इसकी रक्षा व सुरक्षा का संकल्प भी लेंगे। चंद्र प्रकाश ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ कोरोना बीमारी से भी निपटना है। उन्होंने कहा कि आज के समय में प्रकृति ही एकमात्र सहारा रही है जो कि कोरोना से मुक्ति दिला सकती है। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम ऑनलाइन रहेगा और परिवार सहित पूजा के लिए ऑनलाइन ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रकृति की पूजा के नाते ही सभी पहचान बनी है और इसी के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में वायरस से बचने के लिए प्रकृति बंधन कार्यक्रम सार्थक भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर प्रमुख राकेश कुमार, संपर्क प्रमुख राजीव सिंह भी मौजूद रहे। पर्यावरण गतिविधि और HSSF यानी कि हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन, ये अखिल भारतीय स्तर के ऊपर पूर्ण भारतवर्ष में एक कार्यक्रम उन्होंने लिया हुआ है और वो कार्यक्रम है प्रकृति वंदन का। ये कार्यक्रम 30 अगस्त को 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक होगा। इसका स्थान हमारा अपना घर और अपने घर के आसपास का परिवेश ही रहेगा। कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ होगा। प्रारंभ में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी 10 मिनट का अपना उद्बोधन देंगे। तत्पश्चात हमने प्रकृति वंदन करना है। प्रकृति वंदन की एक बड़ी सहज सी और सीधी सी विधि बताई है कि हम लोगों ने अपने घर के आसपास ही कोई पौधा, कोई पेड़, उसका चयन करना है, वहाँ परिवार सहित बैठना है और वहाँ पर पहले 3 बार ओम का उच्चारण करके तत्पश्चात पेड़ को तिलक लगाना, उनको धूप दिखाना और एक डोरी जिसको मौली भी कहते हैं, मौली बांधना और तत्पश्चात जल समर्पित करना। और जल समर्पित करते हुए परिवार ने ये संकल्प करना कि हम प्रतिदिन इस पेड़ को जल देंगे, ऐसी विधि है। और तत्पश्चात दीपक से जो है उसकी आरती करना। कार्यक्रम ऑनलाइन रहेगा पूरा का पूरा, उसके लिंक्स वगैरह दिए गए हैं सारे के सारे, तो ऑनलाइन ही सारा उद्बोधन होगा और ऑनलाइन ही विधि बताई जाएगी। हमने प्रत्यक्ष पूजा करनी है, परिवार सहित पूजा करनी है और इसका हेतु कहीं ना कहीं हमारे सनातन परंपराओं में, लोक कथाओं में हम जो देखते हैं, हमारी जो परंपराएं हैं और सनातन एक विचार भी है कि हम प्रकृति के साथ एक तादात्म्य बना करके आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के पूजक के नाते भी हमारी एक पहचान बनी है, इसलिए चाहे गंगा को हमने माँ माना हो, चाहे पीपल की हम पूजा करते हो, हम देखते हैं कि ऐसे प्रकृति के छोटे छोटे चीज़ों को भी के प्रति हमारे समाज में, हमारी भारतीय परंपराओं में, भारतीय दर्शन में एक कृतज्ञता का भाव रहा है। और इस कोरोना काल में ऐसा भी ध्यान में आया है कि प्रकृति ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस प्रकार के कीटाणुओं से, इस प्रकार के वायरस से लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है, एक आरोग्य दे सकती है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा सकती है। आयुष मंत्रालय के कार्य में भी लगभग जड़ी बूटियां ही हैं सारी की सारी, जो उपयोगी जड़ी बूटियां हमारे आसपास के परिवेश में ही हैं, इसलिए इन सब की पूजा करना हमारे लिए आवश्यक है। प्रकृति है तो हम हैं और केवल हम हैं ही नहीं, प्रकृति यदि है तो हम स्वस्थ भी हैं। इसलिए प्रकृति वंदन के कार्यक्रम को सभी बंधु अच्छे ढंग से उत्साह के साथ